तीन दिनों में इतने धार्मिक मंदिर मतलब विजिट कर लिए, इतनी धार्मिक जगह विजिट कर ली कि भाई साहब फिर ऐसे लग रहा है कि भगवे रंग के कपड़े पहन के संसार ना त्याज दे, हम त्याग दे, है ना। चलिए एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे रेडी हो चुके अप टू डेट, मतलब ऊपर से नीचे तक शूज वूज ये वो सब पहन लिया नहा धो के। मॉम डैड भी यहाँ पे रेडी है, पापा रेडी, मम्मी रेडी। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला ऐसा इस तरीके का रूम था हमारा, और यहाँ से बाहर का नजारा दिखाऊ तो कचरा ही कचरा दिख रहा है, कूड़ा कूड़ा कचरा दिख रहा है नीचे। रात को तो पता नहीं चला, हम रात को आए थे तो ये दिखा नहीं, और बाकी ये भी नहीं दिखे थी। इंडियन रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, देख लीजिए ये ट्रेन भी खड़ी है, तो यहाँ से सनलाइट वैसे आ रही है, देख लीजिए सनराइज हो चुका है। और बस यही है गाइज, अभी रात को सोना था, सुबह में उठ के निकल जाना था, तो हमने ये रूम लेना डिसाइड कर लिया। टीवी है एज ऑलवेज, ऐसे LCD रहती है, और नेट वेट सब है। तो चलिए अब बिना देरी किए ना यहाँ से निकल जाते हैं, वरना देर हो जाएगी। आज पापा कितना डिस्टेंस कवर करना है, इधर 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 इधर, आज डिस्टेंस कितना कवर करना है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर, जी हाँ गाइस, तो 450 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करना है। आधे से ज्यादा मैं ड्राइव कर लूंगा, और फिर पापा आधे से कम वाली जो भी रहेगी सिचुएशन वो पापा हैंडल कर लेंगे, मतलब ड्राइविंग वाली। तो मैं आराम करूंगा, पापा भी आराम करेंगे, और ऐसे 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 करके घर पहुंच जाएंगे। बाकी पापा को ना ये देखो कमर में प्रॉब्लम है, गद्दी खिसक गई है कमर की। नहीं ठीक है, ये बेल्ट पहनना है पापा ने, फिर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और पेन है पापा को रोज, ऐसे रात को ना सुबह शाम ऐसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। अभी दो तीन दिन से बंद है क्योंकि घूम रहे, बाकी यहाँ पे एक्सरसाइज करते, रात को आते हम तो एक्सरसाइज करते, मालिश वालिश करते, और फिर सुबह में उठते ही ऐसे मालिश वालिश करके एक्सरसाइज करके फिर अपना दिन जो है वो स्टार्ट करते। बट पापा काफी स्ट्रांग है ना, देखो मम्मी भी स्ट्रांग है, इस तरह से एक्सरसाइज एज के हिसाब से ना थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे चलता ही रहता है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। ये हमारा रूम था, और रूम के एग्जैक्ट बाजू में लिफ्ट, तो चलिए लिफ्ट के अंदर आ जाए। वैसे तो बहुत नहीं नहीं चाबी तो इधर ही रख दी मैंने, ठीक है वो लोग आगे ले जाएंगे। वैसे होटल काफी अच्छी है ना बाबा, पार्किंग वार्किंग सब एकदम मतलब इजीली हो गया था, होटल के सामने ही पार्क हो गई थी अपनी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग तो ज्यादा नहीं है, छोटा है बट चलता है ना, चलता है अपना। हाँ, पार्क होना चाहिए ना। हाँ, और लिफ्ट भी है ये होटल के अंदर, लिफ्ट है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए रुके, अभी तक हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है पापा, है ना। और सोमनाथ के नारियल पापा को पीने थे, तो जाते जाते आखिरी दिन अभी, और ये सोचा कि चलो यहाँ पे दिख गए तो पी के ही निकलते। अभी यहाँ पे 35 रुपीज का एक नारियल बोला, तो पापा बोल रहे कि बड़ोड़ा से भी महंगा है। सच में बड़ोड़ा में कितने का है? बड़ोड़ा में 25-30 में मिलते हैं। तो यहीं से ही आते ट्रक बंद ही आते हैं। हाँ, पर हो सकता है ना, ये कितने बड़े है देखो, ये साइज में बड़े है पापा, साइज भी हो जो भी हो, लेकिन क्या है ये लोग ऐसा है कि वो टूरिस्ट आते हैं तो बार्गेनिंग नहीं करते। हाँ, मैं मास्टर तो छिपा नहीं सकता। चलो ठीक है, मजा आ जाएगा। मतलब हाँ। यार नारियल पानी पी के आगे निकलता, अभी चाय नाश्ता भी करना है, बट चाय नाश्ता थोड़े आगे चल के करेंगे, अभी नहीं करेंगे भाई, एकदम रिफ्रेश हो गए, मस्त है। शहद दिखा रहे पापा को, शहद लेना है, मधुवन शहद, खेडूतना खेतर नु मत, मतलब फार्मर्स के खेत का मद है, शहद है। नारियल पानी कैसा है? बहुत बढ़िया। हमें कैसा लगा? अच्छा है। नाक में क्या उंगली करती रहती है बार बार? यहाँ पे इस तरीके से नारियल काटेंगे, ये रखा यहाँ पे, क्या बात है। और अभी ये एक ही बार में कट जाएगा, देख लीजिए ऐसे, और अंदर से मलाई निकलेगी। अभी ये है मलाई, सोने चांदी की चम्मच या फिर थाली में खाने का मजा नहीं है जितना इस तरीके से ऐसे लोकल फूड को खाने का, मतलब कि ट्राई करना ये मलाई और खाना एक अलग चीज रहती है। सही बात है, खा लिया। मम्मी तो हंस रही है, पैसे दे दे भैया,
पैसे मांग लो भाग जाएंगे वरना। क्या है ये वाह क्या बात है क्या बात है। भागने भी नहीं देंगे ऐसे भागने भी नहीं देंगे और भाग जाएंगे तो अफसोस भी नहीं करेंगे। ये काठियावाड़ है भाई क्या बात है यार। ऐसे ही मस्ती मस्ती मैंने बोला कि भाग जाएंगे पैसे ले लो पहले, तो बोलते हैं भाग जाएंगे क्या यार 700 रुपए में क्या ही हो जाएगा, भाग गए तो भाग गए। चलो अंकल मिलेंगे। इतना तो कर लिया हमने। ले तू ही लगा ले ले तू ही लगा ले 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 लगा ले 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 लगा ले ले। मैं यहाँ पे लगा रहा था ये टैप और मम्मी बोल रही इस तरीके से लगा इस तरीके से लगा, इसलिए ये मैकेनिक है। ले तू लगा ले देख लो। चल यहाँ लगा। मास्टर माइंड है यहाँ सीनियर्स है तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे खड़े रहने। कुछ इस तरीके से हमने वायर टैप को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब होप सो ये निकलेगा नहीं, वैसे तो हिल नहीं रहा है। मम्मी तेरे अंडर में इंटर्नशिप करके मैंने ये सीखा है, थैंक यू। माँ ने सिखाया, मतलब यहाँ पे कर रहा था ऐसे लगा ऐसे लगा ऐसे लगा, खड़े होके आ गए ऐसे 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 वैसे कैसे ना कैसे। अभी शाम तक घर पहुँचना है 300 किलोमीटर, अभी भी ये रास्ते पे डिस्टेंस कवर करना बाकी है, तो जल्द से जल्द अब बस निकलना होगा। अभी टाइम हो रहा है 12:40 जी हाँ 12:40 हो रही है, तो बस मुझे लग रहा है कि 6 बजे आसपास तक तो हम पहुंच जाएंगे, 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे अगर कंटिन्यूसली कार ड्राइव की तो, है ना। आप ड्राइव करोगे बाद में थोड़ा सा बाद में। एक और बहुत ही बड़ा और अद्भुत मंदिर, जी हाँ गाइस एक और टेंपल विजिट किया हमने, दर्शन किए माता जी के, जिनका नाम है मतलब ये मंदिर का नाम है बूट भवानी, ये जगह का नाम है बूट भवानी, बूट भवानी है ना। तो गांव जो है ना अरनेज जो है वो वीट रिसर्च सेंटर है। ओके गेहूं का संशोधन केंद्र। ओके बहुत बड़ा ये गांव। हाँ ये गांव। ओके तो ये मंदिर बहुत पुराना होगा, बहुत सालों पुराना होगा। हाँ गेहूं की भी रिसर्च होती है। अच्छा और देख लीजिए गाइस ये मंदिर का नाम है बूट भवानी मंदिर, मतलब माता जी का नाम है, और कुछ इस तरह से है मंदिर। बहुत कुछ है, धर्मशाला है, फिर रहने खाने पीने का सब कुछ है, मतलब और भी गौशाला है और ये और भी डेवलप हो रहा है। 3 दिनों में इतने धार्मिक मंदिर मतलब विजिट कर लिए, इतनी धार्मिक जगह विजिट कर ली कि भाई साहब फिर ऐसे लग रहा है कि भगवे रंग के कपड़े पहन के संसार ना त्याज दे, हम त्याग दे है ना। तो चलो तो गाइस ये है बाहर की मार्केट, कुछ इस तरह से है, बहुत कुछ है मतलब मिल रहा है वही देख लीजिए। चलो बोल रही हूं, हाँ। चले जाना है? नहीं 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 जाना है तो सोचेंगे। तो बूट भवानी टेंपल विजिट करने के बाद एक और टेंपल विजिट करवाने पापा लेकर आए। पापा ये टेंपल का नाम क्या है? ये स्वयंभू गणपति है। ओके स्वयंभू मतलब कि सालों सदियों से। हाँ सदियों से। अच्छा तो मतलब स्वयंभू का मतलब क्या होता है? अपने आप मूर्ति पत्थर के रूप में मूर्ति प्रकट होती है जमीन के अंदर से, तो उसे स्वयंभू बोला जाता है। वो बोलते पेड़ में से शायद पेड़ में से निकले थे। अच्छा ओके सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो भीड़ लगी है ना, ये चाय है वहाँ पे, चाय पीने की, दूध वाली चाय। पूरे दिन ऐसे जब तक मंदिर चालू रहता है ना तब तक ये प्रसाद के रूप में चाय मिलती रहती है, तो लोग यहाँ पे ऐसे चाय पी रहे हैं। हमने भी ऐसे चाय पिया यहाँ पे, और दोनों टाइम पता नहीं। हाँ मतलब वो तो होता रहेगा, मतलब भोजन भी सदाव्रत भी चलता रहता है, तो भोजन भी करवाते हैं ऐसे फ्री में। और नहीं फोटो अलाउड नहीं है, नहीं जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं करने का प्रॉब्लम, बराबर।